Hello friends, welcome to Sparsh Hacks. मेरा नाम है Sparsh महाजन. सबसे पहले हमने ये Thor का original थोड़ा बनाया. उसके बाद हमने ये Thor का Stormbreaker बनाया. मैं घर पे तो इनके साथ बहुत खेलता हूँ, लेकिन मैं इनको स्कूल ही नहीं ले जा पाता. इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं इनको छोटा बनाऊँ. इसलिए आज हम बना रहे हैं miniature Thor hammers. Now I can take my Thor hammers to school. Friends, आप मुझे बताओ कि आपको इन दोनों hammers में से सबसे अच्छी hammer कौन सी लगी? नीचे comments में लिखिए. सबसे पहले हम Thor का original hammer बना रहे हैं. उसको बनाने के लिए हमने एक normal eraser लिया है. उस पे हम marking लगा देंगे. ये मार्किंग हम लगा रहे हैं ताकि हम इसको शेप दे सकें. हम एक और मार्किंग बनाएंगे ताकि हमारे हैमर का हैंडल यहाँ पे फिट हो सके. अब हम कटर से इन एजेस को कट कर लेंगे. कटिंग के लिए किसी बड़े की हेल्प लें. हमने इसकी दोनों साइड्स कट कर ली हैं. इसकी साइड की परफेक्ट शेप आ गई है. अब हम इसके हैंडल के लिए स्पेस बना रहे हैं. देखो, हमने एक होल क्रिएट किया है अपने हैंडल को इसके अंदर फिट करने के लिए. अब हम थोड़ी मैचस्टिक्स लेंगे और उनका ब्लैक पोर्शन कट कर लेंगे. मैचस्टिक्स का ब्लैक पोर्शन कट कर लिया है. अब हम इनको पेस्ट करेंगे. फोर मैचस्टिक्स को पेस्ट करके इसका हैंडल बना लिया है. अब हम मैचस्टिक्स को हैमर के होल में पेस्ट करेंगे. पेस्ट करने के लिए हमने थोड़ी स्ट्रॉन्ग ग्लू ली है. इसको फाइनल टचेस देने के लिए हम इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड लगा रहे हैं. तो हमारी बेसिक हैमर रेडी हो गई है. चलो इसको पेंट करें. अब हम स्टॉर्मब्रेकर बना रहे हैं. उसके लिए हमने एक बड़ा इरेज़र लिया है. उसके ऊपर हम स्टॉर्मब्रेकर का टॉप पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं. अब हम इसको कट कर लेंगे. कटिंग के लिए बड़े की हेल्प लें. स्ट्रॉन्ग ब्रेकर की शेप में कट कर लिया है. हमने आइसक्रीम स्टिक्स के टू पीसेस लिए हैं. उससे हम इसका हैंडल बनाएंगे. अपने हैंडल को स्ट्रॉन्ग ब्रेकर के साथ पेस्ट कर देंगे. इसके ऊपर एक ब्राउन कलर का थ्रेड लगा रहे हैं. Thor hammer.
Stormbreaker बिल्कुल रेडी हो गई है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी। लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।